वो है ना गाइस क्या हो गया कच्ची बनियान पहन हेलो गाइस व्हाट इज अप सो वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे इज नेक्स्ट डे एंड अनदर व्लॉग और आज मेरे साथ हुई है बहुत बड़ी बीटी जिसकी वजह से हम दोनों रखे इतने ज्यादा तैयार गाइस तो आप बताओ कि क्या है तेरी कहां भाग रही है जैसे कि कल रात से ही हम लोग काफी प्लान कर रहे थे कि हमें क्या करना है, कुछ खुराफाती नहीं, कुछ अच्छा ताकि हम बाहर जा सके, कुछ आप लोगों को दिखा सके। तो काजल ने बहुत ही तहस नहस में आके मुझे ऐसे बोला रात के 3 बजे कि कल सुबह हम जा रहे हैं लंच पे। इनका सुबह लंच पे कहती हाँ 2 बजे का प्लान है और तू रेडी हो जाइयो फटाफट। तो हम सुबह से उठे हुए थे एक्साइटमेंट में कि क्या पहनेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह पाम जुमेरा पे कोई बीच कैफे था जहाँ पे काजल मुझे लेके जा रही थी। तो काफी हम लोगों ने फाइट के कपड़े पहनने पे, उसके बाद हम तैयार हुए, फिर हमारा हेयर स्टाइल, बहुत सारी चीजें थी, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर हमारा कार्ड खो गया तो वो कार्ड ढूंढा, काफी उसमें लड़ाई हो गई, उसके बाद ये बैठे। तो जब मैंने कहा कि चल फटाफट, मैंने अपने शेड्स भी लगाए, बैग भी ऐसे पहना और मैंने कहा चल अब मिल गया कार्ड वार्ड। तो इसने कहा कि वहाँ पे बिकिनी जो है वो आज का ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड मैंने तो बीच के हिसाब से आप देख ही सकते हो, यहाँ से थोड़ी कटिंग फटिंग वाली पहन ली थी कि अच्छी लगूंगी। तो शिल्पा तो कहीं और भी ले जा सकती थी मुझे तैयार करवा के, ये तो एक ऑप्शन है ना। ऑप्शन था, इसको 3 से 4 ऑप्शन दिए मैंने। इसको बोला दुबई मॉल में 1 से 1 कैफे है वहाँ चलते हैं, इसने सीधा बोला वो बहुत दूर। हाँ तो दूर है, मैंने तो पास की जगह ढूंढी थी। सुंदर तो वही है पर मैंने पास की जगह ढूंढी थी ना, तो पास में इधर हमने कुछ छोड़ा नहीं है, अब दूर दूर के बचे हैं, तू खुद डिसाइड कर ले कहाँ जाना है। उसके बाद इसने ऐसे बोला, बता रही हूँ उसके बाद इसने ऐसे बोला हाँ तो तू नहीं पढ़ सकती थी हाँ तो तू नहीं पढ़ सकती थी क्या, अनपढ़ है तू। अनपढ़ है, मैं तेरे को दिखाया था पूरा अच्छे से, तेरे पे आज के बाद ट्रस्ट नहीं करूंगी। और इसने ये भी नहीं दिखाया कि वहाँ पे अगर आप जाओगे बिकनी तो होनी ही होनी चाहिए, 300 AED पर पर्सन आपको खर्च करना ही करना है। मतलब ये कौन सा कैफे ढूंढ के लाई। 300 AED कितना होता है? 300 AED हमारे 7,500 तक बन जाते हैं। हाँ तो पर पर्सन था, पता नहीं वो मैंने पढ़ा तो था यार ढंग से, पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अब मैं तैयार तो होगी, मैं शिल्पा कह रही हूँ ले चल नीचे ही चली जा यार, लेके मेरे को ये 14,402 बंदों के। हाँ ये लगते, चल तेरे लिए मैं ये भी खर्च कर देती पर बिकनी नहीं पहनती क्या हो गया कच्ची बनियान पहनने अब मैं इसको कह रही हूँ एटलीस्ट नीचे चल के फोटोज या वीडियोस कंटेंट शूट कर लेते हैं रील के लिए। ये कह रही अब शाम को जाएंगे, अब जल जाऊंगी, कह रही अब मैं नहीं जाऊंगी, बहुत धूप है मैं नहीं जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी। पता नहीं ये अलग ही बनती है गाइज, ये अपने आप में ना बहुत ज्यादा। गाइज शिल्पा मेरे के नाम का पेंडेंट भी लेके आई है जो की बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड का कब लेके आएगी? नहीं गोल्ड का ही, अपनी आंखों से खोल। और ये जो आपको इतने शीन के बैग पर्से सब दिख रहे हैं, इस लड़की ने सिर्फ अपने लिए इस बार शॉपिंग किया, मुझे मेरी एक चीज नहीं मंगाई ये के नाम ये का देख के। एक चीज के तूने पहन लिया और फोन पे ये जो डोरियां लगाई खड़ी है, ये भी तेरे शिल्पा कपड़े हैं कपड़े, तूने मुझे एक कपड़े नहीं दिलवाए इस बार। मैं बिलीव करती हूँ अपनी मनी अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने में, ये बिलीव करती है कैफे चल ले ये खा ले, सिर्फ 2 पिक्चर्स अच्छी क्लिक कराने के लिए ये 1,000 रुपए खर्च कर देती है सिर्फ 2। शिल्पा खाने में पैसे कैसे देखे जाएंगे यार, खाया करना फिर उसको, खाया भी कर। मैं तो भाई नहीं खाती इतना, मैं तो कपड़ों में खुश होती हूँ, मैं तो कपड़े ही खाती हूँ। ले खा के दिखाइए, फिर ये दिखाइए, अभी दिखा के तूने कहा मैं कपड़े खाती हूँ, इन्हें खा के दिखा। आज तो रोटी नहीं खाएगी तू, कपड़े खाएगी। फिर लिए एक और चीज मंगाई है, फालतू की चीज जो इसको यूज नहीं करनी मुझे दे रही है। तेरे पैर फटते हैं ना, मेरे नहीं फटते, तेरे फटते। खोल के देखते हैं, चल इसको ट्राई करते हैं। तू सब खराब करवा दे अपने ब्लॉग के चक्कर में ना। गाइस इसको खुद को वो है खोलने की ना, तो मेरे ऊपर नाम लगा रही है झूठी। ये हो रहा है बस, मेरा ब्लॉग में दिख जाए सब कुछ। अरे भाई ये तमिलनाडु वाले का फोन काट दे, ये स्कैम चल रहा है सुबह से। सही हो रहा है मेरे ब्लॉग में सब दिख जाए। चलो कैसी सेल्फिश सी है यार, सेल्फिश सी है यार। ये ले, जिस दिन से यहाँ पे आई थी ना गाइस डेली सॉक्स पहन रही थी रात को, मैंने कहा चल तेरे लिए भी कुछ मंगाई दूं। अच्छा तो इसने मेरे लिए पन्नियां मंगा दी कि सॉक्स की जगह पन्नी पहन। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या? तेरे पैर ये दो हैं बेबी गर्ल, जा फिर पहन ले ऐश कर, तो भी है यार जाती है। हाँ और धुन लगा के बोलो शिल्पा, और सब कमेंट में पता है क्या लिख रहे थे, शिल्पा जी एक ही जगह क्यों उसको रखती है जब आप बोलते हो ना आपको दिखा रही। अभी मैं तुझे नहीं दिखा रही, मैं सॉक्स दिखा रही हूँ।
चाची चाची बोली हाँ। कैसे पहनी जाती है चाची का क्या मतलब है? अरे मतलब ऐसी ताई चाची ऐसे पहनी जाती है। ये कैसे पहनी गई है? ये कैसे पहनी है? अरे वाह अच्छी लग रही है। आए हाय दर्दिका गाइस इसी पे थंबनेल निकलेगा। वो मैं क्या कह रही थी इसको पहन के होता क्या। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वहाँ पे अंडर गार्मेंट्स आ रहे हैं हमारे जो सूख रहे हैं क्रॉप कर देना। अंडर गार्मेंट्स नहीं है वो शॉर्टीज हैं। पर उसको तू क्रॉप कर देना। ऐसे ही बोलती हैं। करना क्या है इनको पहन के? इन्हें पहन के रात को सोना है। That's it. कुछ अपने पैरों पे क्रीम लगाएगी कुछ करेगी और इन्हें पहन ले तो तेरे पैरों में मॉइस्चर बनेगा बहुत ज्यादा और तेरे पैर जो ड्राई है ना मुझे पता चल गया शीन पे पैसे वेस्ट कर मुझे। तेरे को पता कितने की है? 10 दिरहम। तो कहते रहे पैसे वेस्ट कर रहे हैं तूने? कुछ नहीं पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ये तो वो ग्लव्स हैं जो गोलगप्पे वाले भैया पहन के गोलगप्पे खा। जा फिर तू पहन के गोलगप्पे खा ले। कुछ भी बोलती है ना एडिडास के शूज। कुछ भी बोलती है ना एडिडास के शूज। जस्ट बिकॉज अब नहीं होगा तेरा ब्लॉग बढ़ाने के लिए सब दिखाऊंगा। ये बेचारी ने एक महीने से बिस्किट जोड़ के रख रखे हैं। तूने तो मुझे बन नहीं किया। तूने तो मुझे माजी की याद दिला दी। माजी एक बिस्किट दे दो माजी। माजी जो जोड़ जोड़ के रखती थी पताशे घी। मेरी नानी रखती थी। नहीं नानी तो ऐसे नहीं रखती जोड़ के नहीं बट अपने उसमें रखती थी नीचे वाले ड्रॉअर में जब उनको खाना आता था। वेस्ट हो जाता था। ये क्या दिया है? नानी रखती थी नानी की याद आ गई। और जब हम जाते थे ना नानी के घर तो उसमें से हमें निकाल के देते थे स्पेशल ट्रीटमेंट वाले जो अच्छे बिस्किट और नमकीन होते थे। शी वाज द बेस्ट। वाह 1 2 3 क्या उड़ेगी? मेरे को छोरा नींद के बिना मेरा हो गया। इसको मैंने सोते हुए उठाया। इतना भी टाइम नहीं दिया मैंने इसे कि अपनी स्लीपर पहन ली क्योंकि बाहर अंधेरा होने वाला और मुझे फोटोज चाहिए क्लियर सनलाइट में। और पहले मेरी खींचेंगी आज चाहे कुछ हो जाए। क्या हो गया? थक्कर से आते हैं तो आएंगे। ये थोड़ी पहनी हुई थी। चल ले अब जो भी पहनी हुई थी मेरे लिए होंगे। तेरे लिए होंगे। चल मेरे लिए होंगे। गाइस सनसेट में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है सब। कितना ही वीडियो बनाई थी तुमने तब तो नहीं जा रही थी। ये गाइस 100 वीडियो और 200 फोटो के बाद इसकी ये हालत है। शक्ल देख लो इसकी और कपड़े देख लो एक बार सारे गीले जैसे पानी में से निकल के आई है। चलो और ये देखो एक व्यू मैं ये दिखाना चाहती थी। हम यहाँ पे रहते हैं गाइस। वो हमारी बिल्डिंग है। नहीं वो नहीं है ये है सॉरी ये नहीं वो है उसके पीछे वाली है शायद। और ये देखो वो उधर आपको JBR भी दिखेगा यहाँ से। तो मरीना इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन दुबई। सो या सब दिखता है अच्छे से। पर गर्मी बहुत है। मतलब इतनी गर्मी नहीं आपको दिख रहा होगा हवा चल रही है बट ह्यूमिडिटी बहुत है। या सो पर आज ह्यूमिडिटी भी नहीं लग रही इतनी गर्मी है आज। क्या कह रही है? कल आएंगे। इतनी वो है ना गाइस घर जाके बताऊंगी। नहीं बन सकती और ना वो देगा। चल काट वाट ले। नो गाइस बचपन में ना एक बार मुझे शिल्पा ने कहा था कि इससे ऐसे गटर पे जिनके ढक्कन होते हैं ना उन पे पैर नहीं रखना चाहिए वरना तू अंदर चली जाएगी। और आज तक मैं पैर नहीं रखती क्योंकि मेरे अंदर वो सेट है कि अगर मैंने पैर रखा तो मैं इस गटर में ही अंदर चली जाऊंगी। और किसी को है ऐसा वहम? मुझे है। चाहे कितनी ही अच्छी कंट्री हो कुछ हो पर है तो है। It's only